गुड इवनिंग। आज की अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं डीएनए की संरचना की। देखो अपन जो अपना टॉपिक चल रहा है वो जेनेटिक्स का चल रहा था। जेनेटिक्स से रिलेटेड बेसिक पार्ट्स मैंने कंप्लीट कराया था। अब अपन इसके अंतर्गत एक एक टॉपिक देखेंगे जेनेटिक्स से रिलेटेड। जैसे आज अपन देख रहे हैं डीएनए की संरचना, पहला टॉपिक अपना डीएनए की संरचना। डीएनए की स्ट्रक्चर या संरचना, देखो दोस्तों कोई भी सेल है, कोई भी कोशिका होती है सेल, उस सेल के अंतर्गत क्या होता है, केंद्रक होता है। और केंद्रक में क्या होते हैं, गुणसूत्र। और गुणसूत्र के अंतर्गत क्या होता है, डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन है, जिसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, डीएनए के बारे में स्ट्रक्चर कर रहे हैं, डीएनए की संरचना को देख रहे हैं। देखो डीएनए की स्ट्रक्चर या संरचना के रेस्पेक्ट में अपन बात करें तो डीएनए की संरचना का जो अपन एट प्रेजेंट में मोस्ट लेटेस्ट जो स्ट्रक्चर देखते हैं उसको डबल हेलिकल मॉडल के रूप में वाटसन व क्रिक ने दिया था। वाटसन और क्रिक ने दिया था ये डबल हेलिकल मॉडल, वाटसन व क्रिक ने डीएनए की संरचना का डबल हेलिकल मॉडल दिया था 1952-53 के अंतर्गत ये मॉडल दिया था। और ये जो वाटसन और क्रिक का जो डबल हेलिकल मॉडल है, द्विकुंडलित मॉडल है, इस मॉडल का संशोधन जो रूप दिया था वो फ्रैंकलिन ने, उसमें कुछ में संशोधन किया था फ्रैंकलिन ने। फ्रैंकलिन इसकी संरचना के अंतर्गत कुछ चेंजेज किया था और चेंजेज में इन्होंने एक्स किरण विवर्तन विधि, क्रिस्टलोग्राफी तकनीकी, क्रिस्टलोग्राफी तकनीकी, एक्स किरण विवर्तन क्रिस्टलोग्राफी तकनीकी के द्वारा संशोधन किया था। मतलब फ्रैंकलिन ने डीएनए की संरचना का जो लेटेस्ट थ्री डायमेंशनल जो मॉडल दिया है उसमें कौन सी रेडिएशन को काम किया था, एक्स किरणों को, कौन सी घटना काम ली थी, विवर्तन, और कौन सी साइंस की ब्रांच यूज की थी, क्रिस्टलोग्राफी। एक्स किरण विवर्तन क्रिस्टलोग्राफी तकनीकी का प्रयोग करके जो लेटेस्ट मॉडल दिया था इसके लिए 1962-63 के अंदर वाटसन को, क्रिक को और फ्रैंकलिन को, वाटसन, क्रिक और फ्रैंकलिन इन तीनों को डीएनए की संरचना के लिए क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखो दोस्तों जो डीएनए की स्ट्रक्चर है, डीएनए की संरचना है, इस डीएनए की संरचना के बारे में संबंधित देखो अपन बात करें कि एट प्रेजेंट में इसकी कैसी स्ट्रक्चर मानते हैं। अभी जैसे एलडीसी एग्जाम के अंदर पूछा था कि डीएनए की संरचना के लिए वाटसन, क्रिक और फ्रैंकलिन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1962-63 के अंदर मिला था। अब डीएनए के अपन स्ट्रक्चर देखें तो डीएनए की संरचना के अंदर देखो डबल हेलिकल्स है, ये 3' है और ये 5', ये 5' है और ये 3' है। मतलब डीएनए की संरचना के अंतर्गत डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, द्विकुंडलित है, देखो डबल हेलिकल है, द्विकुंडलित स्ट्रक्चर है। ये दोनों कुंडल देखो एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल है, प्रति समानांतर है, एक दूसरे के प्रति समानांतर है, एंटी पैरेलल है, मतलब बट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। मतलब एक 3 है तो दूसरा कितना है, 5 है। एक दूसरे के ऐसे लिप्त रहते हैं एंटी। देखो इसके अंतर्गत अपने को दोनों के डीएनए की दोनों लड़ियां हैं द्विकुंडलित है, डबल हेलिकल है, दोनों लड़ियां एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल होती है। ये दोनों लड़ियां एक दूसरे के क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। जितने अनेकों टाइप के डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, जो भी डीएनए के टाइप्स हैं
उसके अंदर देखो दोस्तों, वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए दिया था वो कौन सा था? बी डीएनए था। सिर्फ एंड सिर्फ जितने सारे अपने पास टाइप्स के डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए जो भी है, उन सब के अंदर के दोनों कोणल एक दूसरे के क्लॉकवाइज लिपटे रहते हैं, एक दूसरे के क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त लिपटे रहते हैं। बट एक डीएनए ऐसा होता है जेड डीएनए, उस जेड डीएनए में दोनों कुंडलन एक दूसरे के क्या होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, एक दूसरे के वामावृत्ति होते हैं। और सारे राइट हैंडेड होते हैं, ये क्या होता है? लेफ्ट हैंडेड होता है। कौन सा डीएनए लेफ्ट हैंडेड है? जेड डीएनए। कौन सा है जो एंटी क्लॉकवाइज होता है? और सारे सारे क्या होते हैं? राइट हैंडेड डीएनए होते हैं। अब देखो इसके अंतर्गत अपन बात करें, ये दोनों लड़ियां होती है, द्विकुंडलित होती है, एंटी पैरेलल होती है, कंप्लीमेंट्री होती है, और ये स्ट्रक्चर किसकी है? बी डीएनए की स्ट्रक्चर से है। एक दूसरे की दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। दोनों टर्मिनल एक दूसरे क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। अब देखो दोस्तों, इस डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर अपन देखें, ये जो दोनों लड़ियां हैं, इन दोनों लड़ियों के मध्य क्या होते हैं? बंद होते हैं। देखो यहां पर बॉन्ड होते हैं, यहां पर ऐसी सीढ़ियां होती है, यहां पर ये सीढ़ियां, ये सीढ़ियां इनके अंतर्गत। यदि अपन देखें इसके अंतर्गत, यहां से लेकर के यहां तक देखो दोस्तों, एक कुंडलन हो गया, एक कुंडलन। और ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या है? एच बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है? एच बॉन्ड होता है। डीएनए के अंदर अपन देखें, डीएनए की दोनों लड़ियों के मध्य कौन सा बंद होता है? एच बॉन्ड। देखो डीएनए के अंदर दोस्तों तीन चीजें, डीएनए इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, इसकी बेसिक यूनिट जीन होती है, और इसके अंतर्गत नाइट्रोजन क्षारक है, क्षारक है, इसके अंतर्गत प्लस शर्करा होती है, और प्लस क्या है इसके अंतर्गत? फॉस्फेट है। अब डीएनए के अंतर्गत जो ये सीढ़ियां बनी होती है, सीढ़ियां ये बनी होती है नाइट्रोजन क्षारकों के। डीएनए की लड़ियां के बीच में जो सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां कौन से किसकी बनी होती है? नाइट्रोजन क्षारक की। अर्थात नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य कौन सा बंद होता है? एस बॉन्ड होता है। एस बॉन्ड के अंदर अपन बात करें, इसके अंतर्गत ए है, टी है, सी है, जी है, यू है, ये नाइट्रोजन क्षारक है। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वासिन, यूरेसिल, इसमें ए और टी के मध्य जो बंद है वो कौन सा है? हाइड्रोजन बंद है। ये एस बॉन्ड है। यदि अपन बात करें इसके अंदर का सी और जी के मध्य बात करें तो ये कौन सा है? एच बॉन्ड है। देखो ए और टी के मध्य कितना हाइड्रोजन बंद है? दो। सी और जी के मध्य कितना हाइड्रोजन बंद है? तीन। अर्थात देखो प्रोकैरियोट का जो डीएनए होता है ज्यादा स्थाई होता है, क्योंकि उसमें सी जी बेस की क्या होती है? ज्यादा मात्रा होती है। जो सी जी बेस ज्यादा है तो उसका मल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। प्रोकैरियोट के डीएनए के अंतर्गत मल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ एस बॉन्ड क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, हिस्टोन प्रोटीन के स्थान पर पॉलीएमिन्स प्रेजेंट होते हैं, और उसकी दोनों लड़ियों के बीच में हाइड्रोजन बंद क्या होता है? वो ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ, तो स्टेबिलिटी नॉट आउट क्या होती है? ज्यादा रहती है। तो डीएनए के अंतर्गत लड़ियों के बीच में नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, क्षारकों की सीढ़ियां बनी होती है, सीढ़ियों के मध्य हाइड्रोजन बंद है, और दो हाइड्रोजन बंद वाला भी है, तीन हाइड्रोजन बंद वाला है। और यदि अपन बात करें इसके अंतर्गत हाइड्रोजन बंद की लेंथ के बारे में बात करें, लंबाई के बारे में बात करें, 2.8 से लेकर के 3 अंगस्तम तक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डीएनए के अंतर्गत जो सीढ़ियां हैं उसमें जो हाइड्रोजन बंद है उनके अंतर्गत हाइड्रोजन बंद की लंबाई कितनी होती है? 2.8 से लेकर के क्या होती है? 3 अंगस्तम है। ये डीएनए की जो एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी जैसे एक चक्कर कंप्लीट हो गया, एक कुंडलन कंप्लीट हो गया, इस एक कुंडलन के अंतर्गत टोटल लंबाई होती है 34 अंगस्त्रों, और इस एक कुंडलन के अंतर्गत क्या होती है? 10 सीढ़ियां होती है। तो इन दो सीढ़ियों के बीच की दूरी कितनी होगी? 3.4 अंगस्त्रों।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डीएनए का जो एक कुंडलन होता है उसकी लंबाई कितनी है? 34 अंगस्ट्रोम। एक कुंडलन में कितनी सीढ़ी है? 10। और दो सीढ़ियों के बीच की दूरी कितनी है? 3.4 अंगस्ट्रोम होती है। जो डीएनए होता है उस डीएनए के अंदर अपन बात करें, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, इसमें सीढ़ियों के मध्य हाइड्रोजन बंद होता है। इस डीएनए के अपन थोड़ा सा और इसकी स्ट्रक्चर देखें ढंग से, यदि इसको अपन थोड़ा खोल के देखें तो इसके अंदर देखो फॉस्फेट है, फिर शुगर है, फिर फॉस्फेट है, फिर शुगर है, फिर फॉस्फेट है, ऐसे चलता है। इससे बना होता है नाइट्रोजन क्षारक बंधा होता है, इससे नाइट्रोजन क्षारक है, इससे जुड़ी होती है शुगर, इससे जुड़ी होती है फॉस्फेट, इससे वापस क्या जुड़ता है? फॉस्फेट जुड़ता है, और इससे वापस क्या होती है? शुगर जुड़ती है। इससे नाइट्रोजन क्षारक जुड़ी है, इससे नाइट्रोजन क्षारक जुड़ा है, इस हिसाब से डैश 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 इस हिसाब से चलता रहेगा। यहां पर देखो ये तो क्या होते हैं, सीढ़ियां हैं, और इन सीढ़ियों के मध्य कौन सा बंद है? एच बॉन्ड है। क्वेश्चन आता है कि डीएनए की बैकबोन किसकी बनी होती है, डीएनए की वर्टिबल कॉलम किसकी बनी होती है, डीएनए की रीड किसकी बनी होती है? देखो दोस्तों, फॉस्फेट सुगर ये क्या बनाते हैं? डीएनए की रीड। डीएनए की रीड बनी होती है, फॉस्फेट सुगर फॉस्फेट शुगर की बनी होती है डीएनए की रीड। अब डीएनए का जो वर्टिबल कॉलम है, डीएनए की जो रीड है, उस रीड के अंदर का जो बंध प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब देखो दोस्तों, डीएनए की रीड के अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, और सीढ़ियों के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। अब यहां पर अपन बात करें तो देखो, ये वर्टिबल कॉलम है, बैकबोन है, और ये सीढ़ियां हैं। यहां पर अपन एंगल देखें, कोण देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है कि शर्करा और नाइट्रोजन क्षार के मध्य कितना डिग्री एंगल है? 90 डिग्री का। यदि अपन डीएनए के अंदर देखें तो डीएनए में शर्करा और नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। और डीएनए के अंदर देखो, ये शर्करा है और ये फॉस्फेट है, यहां पर एंगल देखें तो कितना बनता है? 51 डिग्री का। डीएनए के अंतर्गत शुगर और फॉस्फेट के मध्य कितना डिग्री एंगल है? 51 डिग्री का। और शुगर और नाइट्रोजन क्षारक के मध्य कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। डीएनए की सीढ़ियों के मध्य कौन सा है? हाइड्रोजन बंध। वर्टिबल कॉलम किसकी बनी होती है? और इसके अंतर्गत यदि अपन बात करें, डीएनए के अंतर्गत ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? 2.8 से लेकर के कितनी है? 3 अंगस्ट्रोम। शुगर टू शुगर डिस्टेंस देखें, शुगर टू शुगर तो कितनी होती है? 11 अंगस्ट्रोम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था है कि डीएनए में शुगर टू शुगर दूरी कितनी है? 11 अंगस्ट्रोम। हाइड्रोजन बंध की लंबाई कितनी है? 2.8 से लेकर के 3 अंगस्ट्रोम। डीएनए के अंदर एक लड़ी के अंतर्गत कितनी सीढ़ियां होती है? 10। एक सीढ़ी की अपन बात करें, दूसरी सीढ़ी तक दूरी होती है कितनी? 3.4 अंगस्ट्रोम। डीएनए का डायमीटर कितना होता है? 20 अंगस्ट्रोम। डीएनए का डायमीटर 20 अंगस्ट्रोम है, शुगर टू शुगर 11 अंगस्ट्रोम है। जो डीएनए एक वेरी इंपॉर्टेंट है, संसार का सबसे प्रभुत्व रखने वाला द्रव्य, एक आनुषिक पदार्थ है। इस डीएनए के अंदर का अपन देखो, ये जो डीएनए है उस डीएनए की ऊपर कुछ मात्रा देखें तो एक सेल के अंदर डीएनए कितना होता है? 2.8 पिकोग्राम। एक सेल के अंदर मुख्य रूप से डीएनए कहां होता है? केंद्रक के अंदर। केंद्रक के अलावा कहां पर पड़ा है? माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर का डीएनए पड़ा है। डीएनए एक जेनेटिकल मटेरियल है, आंशिक पदार्थ है। इसको अनेक वैज्ञानिकों ने प्रैक्टिकली प्रूव किया है, मैसल से निष्काल ने किया है, जैसे हर्षे और चेस ने किया है, विक या फावा के अंदर सिद्ध किया है कि डीएनए एक जेनेटिकल मटेरियल है, आंशिक पदार्थ है।
यदि अपने इसके अंदर अगर डीएनए की स्ट्रक्चर देखें तो अभी एक एल्डिसिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। इसमें देखो दोस्तों तीन चीज़ें, एक फॉस्फेट है, एक शर्करा है और एक इसके अंदर क्या है एंड उछारक है। क्वेश्चन ये आया था कि डीएनए के अंदर डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, किसके कारण, फॉस्फेट के कारण नेगेटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन आता है कि डीएनए पोलर होता है, ध्रुवीय होता है, किसके कारण, शर्करा के कारण, क्या होता है, पोलर होता है। क्वेश्चन आता है कि जो डीएनए है उसके अंतर्गत अपन बात करें जो नाइट्रोजन क्षारकों के मध्य कौन सा बंध है, हाइड्रोजन बंध। डीएनए की वर्टिकल कॉलम किसकी बनी होती है, 90 डिग्री एंगल कहां पर है, पोलरिटी का कारण क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो यह था कि डीएनए है और जो अपन बात करें इसके अंदर का शर्करा है, डीएनए की जो लड़ी होती है, डीएनए का जो तंतु होता है, जो धागा होता है, ये डीएनए का धागा क्या होता है, कलग नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि ये क्या है, स्टोन है, स्टोन है और इसके ऊपर डीएनए क्या रहता है, लिपटा रहता है, ये डीएनए। देखो स्टोन के ऊपर डीएनए क्या रहता है, लिप्त रहता है, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है, स्टोन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर डीएनए क्या रहता है, लिप्त रहता है। तो यहां पर जो स्टोन है इसके अंदर अपन देखा कि इसके अंतर्गत टोटल 5 टाइप के स्टोन होते हैं, जैसे H1, H2A, H2B, H3 और H4, ये टोटल 5 टाइप के स्टोन है। इनमें से ये चार हिस्टोन है हर किसी की नंबर कितनी होती है, 2 होती है, अर्थात टोटल स्टोन कितने हो गए, 8 हो गए। ये 8 स्टोन है, H2A है, H2B है, H3 है, H4 है और एक क्या होता है, ये H1 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लिंकर स्टोन कौन सा है, लिंकर स्टोन कौन सा है, H1 है। स्टोन ऑक्टामर में कौन कौन सा शामिल है, 4 शामिल है। कितनी वैरायटी स्टोन होती हैं और डीएनए स्टोन के ऊपर क्या रहता है, लिप्ट रहता है, दोनों पर विपरीत चार्ज है, आयनिक बंध बन जाता है, स्टेबिलिटी मिल जाती है। डीएनए की मेन जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, जीन होती है और डीएनए आनुवंशिकता का क्या होता है, भौतिक आधार है, आनुवंशिकता का भौतिक आधार है गुणसूत्र, और डीएनए आनुवंशिकता का क्या है, बेस, एक जेनेटिकल मटेरियल है, पीढ़ी दर पीढ़ी सूचनाओं को ले जाता है। दोस्तों एक तो डीएनए होता है और डीएनए के पैरेलल के अंतर्गत क्या होता है, आरएनए होता है। डीएनए के पैरेलल में क्या होता है, आरएनए होता है, जिसमें देखो दोस्तों मुख्य आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या होता है, डीएनए। आज इस ब्रह्मांड में 99% ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है, ये डीएनए और आरएनए। अब इस डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, उसमें राइबोस शर्करा होती है। इस डीएनए के अंदर अगर डबल कुंडलियां होती है, इसमें सिंगल कॉइल्ड है, इसमें दोनों विपरीत टर्मिनल पास पास अलग अलग विपरीत होते हैं, दोनों विपरीत टर्मिनल पास पास होते हैं, इसमें सेम टर्मिनल पास पास होता है। ये भी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, ये भी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। अब जो अपन आगे वाली क्लास के अंतर्गत डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे कि आरएनए की स्ट्रक्चर कैसे होती है, आरएनए कितने वैरायटी का होता है, आरएनए की स्टेबिलिटी क्या है, आरएनए किसके बने होते हैं, एमआरएनए क्या होता है, टीआरएनए क्या होता है, आरआरएनए क्या होता है, कौन कौन सा आरआरएनए क्या क्या फंक्शन करता है, कहाँ कहाँ पे उनकी उत्पत्ति होती है, कितनी कितनी परसेंटेज में रहता है, तो आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, आरएनए की संरचना। थैंक यू दोस्तों।